वेलकम टू सक्सेस का अड्डा। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स बता दिए थे, कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में बता दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था वो बता दिया था, करंट वोल्टेज एमीटर वोल्टमीटर दोनों के बारे में बता दिया था। फिर हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में भी काफी बात करी थी, ओम्स लॉ के बारे में हमने उसका डेरिवेशन छोटा सा देखा था, हमने ग्राफ बना के उसका देखा था, फिर हमने फैक्टर्स देखे थे कि इस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोगों को देखना है कि रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को तो हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट करने की बात आती है तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, ठीक है। जब रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, अब हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हम या तो उसको एक साथ लाइन से कनेक्ट कर दें, जैसे एक रेजिस्टेंस ये दे दिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये दे दिया, ये आर वन है या आर टू है, तो जब हमने कंटिन्यूअसली एक के बाद एक कनेक्ट किया तो उसको बोलते हैं सीरीज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जब इसी को एक के ऊपर एक कनेक्ट कर देते हैं ये आर वन हो गया या आर टू हो गया, जब हम इनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सीरीज का कनेक्शन, ये होगा पैरेलल कनेक्शन। अब हम दोनों को सेपरेटली एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, तीन चार रेजिस्टेंस दे देना और फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों कंबाइन कर दें मतलब हम ऐसे लगा दें रेजिस्टेंस, एक सीरीज हो गया, एक पैरेलल हो गया। हम ऐसे भी तो कनेक्शन कर सकते हैं कि सीरीज भी है और पैरेलल भी है, तो हम इसको भी देखेंगे जब हम सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करते हैं, पहले हम सीरीज का रन देखेंगे फिर पैरेलल का फिर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम यहां पे एग्जांपल लेके जो मैं ड्राइव करूंगा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, तो हमें यहां पे देखना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। अब तीन रेजिस्टेंस हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना निकलता है वो हम चेक करेंगे यहां पे, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे, तो उसका डेरिवेशन यहां पर देखना है, तो डेरिवेशन को देखने के लिए हमें पहले कुछ पॉइंट्स को यहां समझना होगा। तो सबसे पहले हम बना देते हैं रेजिस्टेंस को, सपोज के लिए एक सर्किट है, इसकी वैल्यू दी गई R1, इसकी वैल्यू दी गई R2, इसकी वैल्यू दी गई R3 और ये वोल्टेज लगा रखा है V, मतलब सोर्स है, ठीक है V, तो यहां से करंट निकलेगा I, ठीक है, तो सबको समझ में आता है। तो यहां पे जो बातों का हमको ध्यान रखना है वो पहली चीज क्या है, पहली चीज जो यहां पर ध्यान रखने वाली है ये होती है कि अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वोल्टेज कभी भी सेम नहीं होता है। तो यहां पर देख सकते हैं वोल्टेज is different after every resistance, हर resistance के बाद voltage आपका अलग अलग मिलेगा, values अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। हम इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यहां पर drop हो रहा है voltage का वो अलग अलग होता है, लेकिन लेकिन across all the resistance अगर हम देखें इनके across देखें तो same voltage मिलेगा, जितना वोल्टेज यहां था उतना ही वोल्टेज यहां मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आ गई। दूसरी चीज यहां पे जो होती है करंट इज सेम, जितने भी रेजिस्टेंस लगा रखे हैं उन सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो करंट होगा वो सेम होगा, मतलब अगर यहां पर हम देखें दूसरी तरह समझे तो ये करंट आ गया, यहां पे भी तो आई था, यहां पे भी आई था, इसके अक्रॉस गया तो भी आई था, इसके अक्रॉस गया तो भी
आई था, यहां पे भी आई था, यहां पे भी आई था और यहां पे भी आई था, कहीं पे करंट डिवाइड ही नहीं हुआ। तो अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस करंट जो होगा वो हमेशा सेम होगा। लेकिन वोल्टेज के बारे में हमने बोला, वोल्टेज क्या होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं इधर से लेकर इधर के बीच का रेजिस्टेंस वी वन है, इधर से लेकर इधर तक का रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज वी टू है, और यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज वी थ्री है। लेकिन यहां से यहां तक का वही वोल्टेज है, इस अगर हम उसको पॉइंट दे दें ए बी सी और डी, तो ए से लेकर डी तक का वोल्टेज वी के बराबर है, और ए से लेकर बी तक का वी वन है, बी से सी तक का वी टू है, और सी से डी तक का वी थ्री है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर था, हम अगर देखें वोल्टेज किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज, वोल्टेज वन प्लस वोल्टेज टू प्लस वोल्टेज थ्री, ये तो समझ में आ गया होगा कि जो V है किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ठीक है, एकदम क्लियर है? ठीक, अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, V इक्वल टू आई आर पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर पढ़ा था। ठीक है, अगर हम इस V की बात करेंगे तो याला V जो होगा किसके बराबर होगा, नेट करंट और रेजिस्टेंस भी कितना नेट, या हम इसको कह सकते हैं आर सीरीज। एस का मतलब क्या का सीरीज से, कि जितना भी रेजिस्टेंस इसका सीरीज में आ रहा होगा नेट रेजिस्टेंस उसके बराबर होगा। वी वन की बात करें ज्यादा, वी वन किसका होगा आई इंटू आर वन, वी टू की बात करेंगे तो किसका होगा आई इंटू आर टू, और वी थ्री भी किसका हो जाएगा आई इंटू आर थ्री, वी इंटू आर थ्री। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज को इसमें रख दो, सारी सारी वैल्यूज को इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ये वी की वैल्यू क्या रहेगी, आई आर एस आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ठीक है, कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल दीजिए आप कॉमन, आई आर एस इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आई से आई कट गया तो आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं बड़े बड़े शब्दों में, आर सीरीज जो होगा वो सारे रेजिस्टेंस का सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जी समझ में आए। हमने यहां पे क्या देखा, जो हमारा रिजल्ट आया उसके हिसाब से बात करें तो यहां पे अगर हमने तीन रेजिस्टेंस लिए थे आर वन आर टू आर थ्री और तीनों सीरीज में कनेक्ट थे, तो नेट रेजिस्टेंस जो सीरीज का है वो किसके बराबर होगा, उन सभी रेजिस्टेंस के लीनियर सम, सिंपल सम के बराबर है, उनको हम जोड़ते चले जाएंगे सम के बराबर होगा। यहां पर अगर हम बात करें, अगर तीन की जगह एन रेजिस्टेंस होते एन और सबकी वैल्यू सेम होती आर आर आर, या उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इरेज कर देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं, इस डायग्राम को अलग कर देते हैं। ठीक है, अगर हम आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री इक्वल टू आर रखते हैं, मतलब तीन रेजिस्टेंस लिए तीनों की वैल्यू सेम कर दें, तो आर सीरीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री आर हो गया, आर प्लस आर प्लस आर थ्री आर। अगर यहां पे हम तीन की जगह एन लेते हैं रेजिस्टेंस, तो फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस, अगर एन इक्वल रेजिस्टेंस ले लेते तो आर सीरीज कितना होता है एन आर, ये याद रखने वाली चीज हो गई। ठीक है, अगर हमको सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल दे दिए जाएं, बराबर दे दिए जाएं, तो सीरीज नेट सीरीज का रेजिस्टेंस कितना होगा, उन सब के नंबर इनटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर इनटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है, और ये हो गया तब जब सारे फॉर्म सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम थे और जितने रेजिस्टेंस होंगे नंबर इनटू वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक छोटा सा सीरीज पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, देन फिर
पैरेलल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसमें सर्किट का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में सर्किट तो पढ़ाया था लेकिन ड्रॉ करना नहीं बताया था। मतलब मैंने बताया बेसिकली सर्किट क्या होती है, लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बताया था क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें कवर्ड है। क्वेश्चन सिंपल सा है, सब बोला गया, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले क्वेश्चन पहले बोला है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, अ 5 ओम रेजिस्टर एंड 8 ओम रेजिस्टर एंड अ 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिंपली बोला गया कि हमको एक डायग्राम बनाना है सर्किट का, सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें बैटरी है जिसमें 3 सेल लगे हैं, 2-2 वोल्ट के। तो 2-2 वोल्ट के जब 3 सेल को जोड़ेंगे तो कितने वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, ठीक है। तो बैटरी हमको पता चलेगी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। उसके बाद हमको 3 रजिस्टर दिए गए और एक की दिया गया। सबसे पहले हम रजिस्टर बना लेते हैं, 1, 2, 3। इस तरह से सर्किट ड्रॉ हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब वैल्यूज देते हैं, यहां पे 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी लगे, 3 सेल लगे हैं, तो ये बैटरी हो गई 6 वोल्ट की, ठीक है। 5, 8 और 12, पहला रेजिस्टेंस है 5 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओम का, तीसरा है 12 ओम का और एक की है, ठीक है, एक की लगा दी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट, पहले पार्ट ने क्या बोला था, ड्रॉ द डायग्राम जिसमें 3 सेल की बैटरी है, 3 सेल की बैटरी लग गई 6 वोल्ट, 2, 2, 2, 2+2+2, 6, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड अ प्लग की लगा दी, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक। ये भी दिया गया था कि सभी क्या सीरीज में कनेक्ट किए गए, तो सीरीज में कनेक्ट भी कर दिया हमने। सेकंड पार्ट बोला है, रीड्रॉ द अबाउट सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड द वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स, व्हाट विल द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब यहां पर सर्किट को दोबारा से बनाना है, 2 और डिवाइस लगाने हैं। वो 2 डिवाइस कौन से, एक है एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अब हमको जब दोबारा से सर्किट को ड्रॉ करना है तो ए का पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। बी पार्ट की सर्किट है, सेम सर्किट रहेगी, इसमें 2 डिवाइस और जोड़ देना है। तो हमने पहले तो सर्किट को सेम बना दो, ठीक है। ये हो गया 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ठीक। ये क्यों हो गया 6 ओम, ठीक। अब हमको यहां पे क्या करना है, एक वोल्ट मीटर लग, एक एमीटर लगेगा। ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हमको वोल्ट मीटर लगाना है किसके क्रॉस, 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया अक्रॉस 12 ओम, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल, फिर इसका पॉजिटिव टर्मिनल और फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल। दिस बाय दिस वे वी ड्रॉ दिस सर्किट, सर्किट बन गई, ठीक। सर्किट वाला पोर्शन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, क्या बोला गया है कि रीडिंग बताना है, रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो रीडिंग ऑफ द एमीटर, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, यहां पर देखें जो एमीटर है ये पूरी सर्किट के करंट को मेजर कर रहा है और ये सर्किट किसकी है, सीरीज की है, तो करंट कांस्टेंट होगा पूरी सर्किट में, सेम करंट हमको देखने को मिलेगा। तो हम इसमें अगर हम एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करें तो यहां पर लिखते हैं रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ मीटर क्या होगी, करंट होगा, सिंपल सी बात है।
तो यहां पर ओम्स लॉ अगर देखिए तो ओम्स लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू हमको फाइंड करना है, दैट इज वी अपॉन आर। लेकिन आर कौन सा होगा? सीरीज का होगा। सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस है, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो जो करंट, उसके वजह से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट विल बी द करंट। तो आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तीनों का सम। यहां पर देखो आर एस की वैल्यू कितनी आएगी? आर एस की वैल्यू आएगी 5 + 8 + 12, तो रहेगा 25 ओम। अब यहां पर आई की वैल्यू देखो कितनी आएगी? आई आ जाएगा, वी की वैल्यू है 6/25, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.24 आपकी करंट की रीडिंग आ गई, एमीटर की रीडिंग आ गई। फिर हमको निकालना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अगर यहां पे देखो ये वोल्ट मीटर से 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा, मतलब हमको सिर्फ इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वोल्टेज फाइंड करना है। मतलब हमको अगर इस पॉइंट को दे दें ए, इसको बोल दें बी, तो हमको ए और बी के बीच कितना वोल्टेज है वो फाइंड करना है। पूरे सर्किट के वोल्टेज समय कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा V इक्वल टू आई आर 3। आर वन है, आर टू है, आर थ्री है। तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो यहां पर रखेंगे। करंट तो कांस्टेंट था जो पूरी सर्किट में है, तो I की वैल्यू थी 0.24 अभी निकाली हमने, इनटू आपके रेजिस्टेंस के जो है 12 4 48 carry 4 12 2 24 + 4 28। जो वोल्टेज आ रहा कितना आ रहा? 2.88। एबी के क्रॉस कितना? यहां पे रीडिंग कितनी आ रही होगी? 2.88 वोल्ट। बैटरी कितनी लगी है? 6 वोल्ट की। यहां पे कुछ ड्रॉप हुआ, यहां पे कुछ ड्रॉप हुआ, यहां पे कुछ ड्रॉप हुआ, कितना आ गया? 6 वोल्ट। अगर बोला था 5 ओम के क्रॉस निकालिए तो 5 × 2.24 तो कितना आ जाता? 10 के क्रॉस आती, 1 के क्रॉस आती वैल्यू, यहां 1 ड्रॉप आता। 8 की कुछ और वैल्यू होती, 12 की कुछ और वैल्यू, ठीक है। जिस समझ में कैसे हमें डायग्राम बनाना है और कैसे सर्किट को अप्रोच करना है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हम लोग पैरेलल सर्किट की तरफ। अगला पढ़ना क्या पढ़ना? रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमको देखना है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, देखिए जो सर्किट सिंपली बनती है कैसे बनती है, जब हम ब्रांचिंग कर देते हैं। जैसे हम यहां पर 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाएंगे, यह हमको सर्किट छोटी सी दी गई है। इसमें हम देख सकते हैं 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में। तो जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान देते हैं, पॉइंट्स का ध्यान कर देते हैं। पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वोल्टेज इज इक्वल। तो यहां पर लिख सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल अक्रॉस रेजिस्टेंस। वो किसके अलावा होता है? सोर्स के अलावा होता है। ये रेजिस्टेंस वोल्टेज किसके अलावा होगा? जो सोर्स में लगा है, इसके अलावा होगा, ठीक है। दूसरा यहां पे पॉइंट होता है, यहां पे देख सकते हो करंट जब गया यहां से तो यहां पे ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो आई वन अलग चला गया, आई टू अलग चला गया, आई थ्री अलग चला गया। ये आई की वैल्यू वोल्टेज और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है, सिंपली रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर क्या होगा? करंट gets divided
इन ऑल ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस होगी हर ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो जाएगा, यहां ब्रांचिंग भी डिवाइड हो गया, यहां ब्रांचिंग भी फिर से एडअप हो गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान देना। बाकी ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ के हिसाब से हमको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है। इसका यूज अभी हम करते हैं यहां पे, देखो यहां पे करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट कितना होगा, I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होगा कि नहीं होगा, ये तो करंट गया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अगर हम सारी I की वैल्यू निकाले उधर से ओम्स लॉ से तो I की वैल्यू आएगी V अपॉन R, ठीक है, कौन सा R, पैरेलल, ये कौन सा R है, ये अपन नेट रेजिस्टेंस का R है, मतलब पूरी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस होगा, मतलब पैरेलल वाला करंट रेजिस्टेंस, सॉरी पैरेलल वाला रेजिस्टेंस है, आर पी लिख दिया। अब आई वन के बारे में बात करें तो क्या होगा, आई वन तो पहली ब्रांच का ना, ये इस ब्रांच का है ना, तो आर वन आई वन के लिए क्या होगी वी अपॉन आर वन, आई टू की वैल्यू कितनी आएगी वी अपॉन आर टू, और आई थ्री की वैल्यू कितनी होगी वी अपॉन आर थ्री। ये तीनों वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड है ना, वोल्टेज तो सेम है, डिपेंड किस पे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे कर रहे हैं, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तो करंट भी सब पे सेम हो जाएगा, ये आई बाय थ्री आई बाय थ्री आई बाय थ्री हो जाएगा अगर सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग वैल्यू ले रखी है इसलिए हम इसको अलग अलग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो जाएगा वी अपॉन आर पी इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, ठीक, कुछ कॉमन, बिल्कुल जो कॉमन है वो कट गया, बचा कितना वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला और बन गया, मतलब अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो जब रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करते जाएंगे उनको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे वही केस देखते हैं, फॉर अगर हम सारी वैल्यूज को इक्वल ले लें, लेट अस सपोज आर आर वन इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री आर के बराबर हो गया, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, मतलब यह आ जाएगा थ्री अपॉन आर, या ले सकते हैं आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन थ्री, ठीक, तीन रेजिस्टर्स थे तो आर अपॉन थ्री हो गया, फॉर एन रेजिस्टर कितने आएंगे आर पी की वैल्यू कितनी आएगी आर अपॉन एन। ये भी याद करके रखने वाली चीज है कि जितने रेजिस्टेंस हो और सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम हो, एन रेजिस्टेंस है एन के एन सब सेम है तो पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस हो जाता है आर अपॉन एन, तीन थे तो एन आर अपॉन थ्री हो गया, उस वाले केस में क्या था थ्री एन आया था, यहां पे आर सॉरी एन आर आया था वहां पे और यहां पे आर अपॉन एन आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें दोनों को कंपेयर करते हुए बता देता हूं जिससे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब मैं अभी छोटी सी दोनों सर्किट बनाता हूं, चलो दो रेजिस्टर की सर्किट तीन बना देते हैं, चलिए ठीक है, ये हो गया आर वन ये हो गया आर टू ये हो गया आर थ्री ये हो गया बी, एक ही हो गया सर्किट, ठीक है। पहली चीज देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में है तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन में कई बार आपको पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में सिंपल से पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में है, तो वहां पे आप सॉल्व करने से अच्छा है कि आप सीधे डायग्राम को देखो
और यहां पे देखोगे यहां पे सीधे सीधे एडअप हो रहा है, जुड़ते चले आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा किसमें आता है, सीरीज में आता है। हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में आता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, डिवाइड होता चला जाता है R1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इवन अगर सारी वैल्यू सेम भी है तो R अपॉन N के टर्म्स में चलता है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है, पैरेलल के केस में कब आता है, पैरेलल केस में। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा आता है, हमेशा सीरीज केस में, और मिनिमम रेजिस्टेंस हमेशा आता है पैरेलल केस में। यह चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जा सकता है कि ऐसे हमने दो सर्किट्स हैं, इन दोनों में से कौन सी सर्किट आप अपने घर में प्रेफर करोगे, घर की अगर सर्किट डिजाइन करना है आपको तो इन दोनों में से कौन सा अरेंजमेंट यूज करना चाहोगे, सीरीज वाला कि पैरेलल वाला, कौन सा बेनिफिशियली होता है। ये पहले आपका सेकेंड चैप्टर था, उसका पार्ट था, लेकिन वहां कट चुका है, तो यहां से भी उसको आंसर कर सकते हैं, तो यहां से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब पूछा जाए तो ये कौन सा सर्किट, याला पसंद करोगे कि याला पसंद करोगे, तो आंसर होगा हम इसको पसंद करेंगे, इसको नहीं पसंद करेंगे। रीजन, पहला रीजन, पहला रीजन सुनना, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा, अगर आपके अलग अलग अप्लायंसेज हैं, सपोज कर लीजिए आपका टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, पांच छह चीजें लगा रखी हैं आपने, तो आपका हर बार क्या होगा, हर सर्किट हर लोड के बाद, मतलब हर अप्लायंसेज के बाद एक पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, हर बार एक ड्रॉप देखने को मिलता है। जबकि यहां पे वो केस नहीं होता, यहां पे सारे अप्लायंसेस के बीच में सेम रेजिस्टेंस, सेम वोल्टेज आता है, सेम पोटेंशियल रहता है, तो हम सारे अप्लायंस आपके एक जैसे चलेंगे, जबकि यहां पे आपका पावर कम होता चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकेस कोई अप्लायंस खराब हो गया, या अप्लायंस खराब हो गया, मान लेते हैं खराब हो गया, तो अभी बताइए जब ये खराब हो गया तो आगे करंट जाएगा, नहीं जाएगा। जब आगे करंट नहीं जाएगा तो पूरी सर्किट टूट जाएगी और पूरा घर की लाइट चली जाएगी और ये फेल हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका एक अप्लायंस खराब हो गया तो हो गया, करंट जहां से जाने लगेगा, जहां से नहीं जाएगा दो से जाने लगेगा। दो अप्लायंस खराब हो गए तब भी करंट यहां से जाता रहेगा, आपके घर में लाइट आती रहेगी, घर की लाइट नहीं जाएगी। सपोज रूम होते हैं R1 प्लस R2 R3 जो है, ये अलग अलग रूम होते हैं, एक कमरे की लाइट खराब हो गई तो दूसरे कमरे में आती रहती है, आपने देखा होगा। तो इस वजह से यह सर्किट हम प्रेफर करते हैं अपने हाउस होल्ड सर्किट्स में, ठीक है। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम इसके कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, मतलब जहां सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करेंगे उसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे, दोनों एक साथ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया इन द सर्किट डायग्राम फाइंड, तीन चीजें फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, हमें इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर सर्किट में हमको क्या दिया गया है कि दो रेजिस्टेंस R2 और R3 पैरेलल कनेक्टेड है R1 के साथ, ये दोनों पैरेलल है और सीरीज में कनेक्ट है R1 के साथ, और पूरी सर्किट में 6 वोल्ट की सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स का वोल्टेज का 6 वोल्ट का। सबसे पहले काम है टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पहले टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आप ध्यान दें, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, सबसे पहले इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको R2 R3 का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, R निकालेंगे विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है। तो यहां पर R की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 12 अपॉन 20, विच इज इक्वल टू 4.8 ओम। मतलब इन दोनों को अगर हमने कैलकुलेट किया तो कितना है, 4.8 ओम आया। देखो वैल्यू दोनों से कम हो गई, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि मिनिमम रेजिस्टेंस आता है, जैसे वैल्यू इसकी घट गई, ठीक है।
अब हम इस क्या करना, इक्विवेलेंट निकालना। आर इक्विवेलेंट कितना का, आर वन प्लस आर के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 7.2 प्लस 4.8 ओम, 7 प्लस 5 12 ओम। ठीक है, तो यह आ गया 12 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गया, पहला पार्ट का आंसर हमको मिल गया। ठीक, अब हमको क्या करना, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट है टोटल करंट, टोटल करंट कितना होगा, ओम्स लॉ लगेगा, ओम्स लॉ हो जाता है V इक्वल टू आई आर, हमको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हो जाएगा V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R, तो यहां पे आया I की वैल्यू, V की वैल्यू थी 6 और R की वैल्यू है 12, तो I की वैल्यू हो जाती है 0.5 एम्पियर, कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। अब यहां पे थर्ड पार्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो हमको वोल्टेज फाइंड करना है किसके क्रॉस, पहले वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस, वी वन के क्रॉस, तो वी वन के क्रॉस जो आएगा आई इंटू आर वन आएगा, क्योंकि इधर से जो करंट निकला है वो सेम है, अभी डिवाइड नहीं हुआ यहां पे, सिर्फ सेम है, तो वी वन की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 इंटू आर वन की वैल्यू है 7.2, तो विच इज इक्वल टू 5 2 10, 5 3 35, जाएगा 3.6 वोल्ट। अगर आपसे पूछा था आर टू या आर थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां पे जो करंट निकलता है वो आई वन निकलता है, यहां पे जो निकलता है आई टू, तो पहले हम इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं फिर उसके क्रॉस करंट निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाता कि आर टू या आर थ्री के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किए, तो आर टू आर थ्री के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, पहली चीज, और किसके बराबर होगी, जो टू और थ्री होगा दोनों बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 6 माइनस 3.6, टोटल था 6, 3.6 यहां तक है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट। ठीक है, निकल आया यहां से यहां तक 2.4। अगर आपको बोलता कि करंट कितना है दोनों ब्रांचेस में, तो आई टू की वैल्यू कितनी निकलती, वी टू अपॉन आर टू, आई टू की वैल्यू कितनी होती, वी टू अपॉन आर टू, वी टू की वैल्यू थी 2.4 और आर टू की वैल्यू थी 8, तो आता 0.3 एम्पियर, और आई थ्री की वैल्यू कितनी आती, वी थ्री अपॉन आर थ्री, वी टू वी थ्री दोनों बराबर है, कोई वैल्यू में फर्क ही नहीं है, तो 2.4 अपॉन आर थ्री की वैल्यू थी 12, तो आता था 0.2 एम्पियर, दोनों को एड कर दीजिए 0.5 आ गए, देखिए 0.5 आया था आंसर। ठीक है, हमारा आंसर सही है, अगर पूछा जाता तो आप इसको भी निकाल सकते थे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, देखते हैं इसके आगे एक और क्वेश्चन देख। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया, शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट अ कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 एंड 4 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, वैल्यूज चेंज कर देता है और क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपली हमको बोला गया है कि हमको 6-6 ओम के 6-6 ओम के 3 रजिस्टर दिए गए, ठीक, अब इन 3 रजिस्टर को हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि 9 ओम मिल जाए और फिर इन्हीं को फिर से कनेक्ट करना है 4 ओम मिल जाए, तो हमें सारे पॉसिबल केसेस को देखना है जिसके मदद से हम 9 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस को की सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली दो तरीके की सर्किट बताई है, एक सीरीज एक पैरेलल। मैंने वहां पे आपको बोला था कि एक और तरीके की सर्किट होती है जिसमें हम सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यह वो टाइप की सर्किट का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली सीरीज और डायरेक्टली पैरेलल पे तो पूछता है क्वेश्चन, पर वो इजी क्वेश्चन कराते हैं, जब कंबाइन करता है सीरीज और पैरेलल को तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो जाता है। तो जैसे यार क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, देखो हम पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कैसे कैसे सर्किट बनाई जा सकती है। ठीक है, फिर उसका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे,
नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 9 कब आएगा और 4 कब आएगा। तो पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। जब हम 9 के 9 मतलब 6 के 6 ओम रेजिस्टर को हम पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर लें, सिक्स ओम पहला हो गया। दूसरा केस है कि हम तीनों के तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दें, ठीक। दूसरा केस हो गया, ठीक। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड, ये दोनों तो आपको आपने पढ़े हैं तो आसान थे। अब थोड़ा सा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हमने एक सिक्स ओम को सीरीज में लगा दिया और बाकी दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक। केस फोर देखते हैं कि हमने दो को सीरीज में लगा दिया और एक उसके पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। तो हमने अभी चार केस बना दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इन चारों में से कोई केस इसमें इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। देखो यहां पे आप इन दोनों का तो तुरंत चेक कर सकते हो, बहुत क्विकली चेक कर लोगे। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम, या फिर इक्वल वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, एन इंटू आर कर देते तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 18 ओम, जो कि आंसर नहीं है। तो यारा केस गलत। दूसरा था आर, इसका नेट निकालेंगे तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, आर अपॉन एन, जब आपके सारे सारे रेजिस्टर्स सेम हो तो 6 अपॉन 3 2, ठीक। ये होगा, ये भी नहीं है। तो जनरली अगर पेपर में क्वेश्चंस आते ना, ये दोनों केस होते भी नहीं है, बट फिर भी चेक करना हमारा काम है। बट ये दोनों केस होते भी नहीं है, आंसर हमारा इन्हीं दोनों केस से आता है। इन दोनों केस को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस वाले को देखते हैं, इसमें तो दोनों क्या सीरीज में, सॉरी दोनों पैरेलल में। जब पैरेलल में है तो कितना होगा इसका नेट रेजिस्टेंस? कितना होगा? 6 प्लस, यारा 6 आया, ये दोनों सीरीज में थे, 6 प्लस इस वाले का रेजिस्टेंस होगा 6 अपॉन 2। 6 अपॉन 2 क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो आर अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगेगा, आर अपॉन एन, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 3, दैट इज 9 ओम, ठीक। 9 ओम जरा आंसर मिल गया हमको। फिर देखते हैं लास्ट केस, इन दोनों को सीरीज में देखेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 6 12 ओम, ठीक। ये तो इनका आया ना, ये किसका है? इन दोनों का कैलकुलेट हुआ, इसको इसके साथ ऐड करना है तो रहेगा आर नेट जो होगा वो होगा 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 12 अपॉन 18, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 4 ओम, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो देखो हमको जब एग्जाम में आएगा तो हमको सारे केस चेक करने होंगे, ठीक है, बट आंसर 90% इन दोनों केस से ही आएगा, ठीक है। इन दोनों केस को सिंपली चेक कर सकते हो कि कहीं ये केस दे तो नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये जो केस थे इसमें हमने देखा कि पैरेलल और सीरीज दोनों का यूज किया है, यहां पे सीरीज और पैरेलल का यूज किया है, तो हम इनको कंबाइन करके भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहां पे 6 ओम था, हो सकता है क्वेश्चन में 9 ओम कर दे, हो सकता है 13 ओम कर दे, तो ये वैल्यू चेंज करके आपको कुछ भी नई वैल्यू के साथ क्वेश्चन दे देगा, बट लॉजिक और कॉन्सेप्ट सेम होगा। यहां पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 2 ओम। दो रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल कनेक्ट किए गए,
तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देते हैं 2 ओम का. व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब इन्हीं रेजिस्टेंस को, सेम रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, द वैल्यू बिकम्स 9 ओम. तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 ओम हो गई. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो हमको दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू क्या है, R1 और R2 है, सपोज कर दिया हमने, ठीक है. आप लैंग्वेज लिख देगा, लेट द रेजिस्टेंस बी R1 एंड R2. तो वो केस दिया गया फर्स्ट कि जब उनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया, जब पैरेलल कनेक्ट किया तो वैल्यू आ रही थी 2, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2/R1/R2. ठीक, ये होगा केस वन. केस टू देखते हैं. केस टू में बोला कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये पैरेलल ही केस था, ये सीरीज का केस है. जब सीरीज में कनेक्ट किया तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी निकाली इसने, 9 ओम. ठीक, R1 प्लस R2 की वैल्यू 9 ओम. अगर हम इस वैल्यू को इसमें रख दें, इस वैल्यू को उठा करके हम इसमें रख देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू 9/R1/R2. तो R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई. ठीक है, अब यहां पे देखो दो रेजिस्टेंस हैं जिनका सम 9 है और प्रोडक्ट 18 है. आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, यहां पे किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो और इसको उठा के इसमें रख दे, इट विल बिकम R1 तो जाएगा 18 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9R2. ठीक है, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, जगह नहीं वहां पे. ठीक है, यहां पे आ जाएगा बेटा R2 का स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18 इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इसमें देखें तो 18 के दो फैक्टर्स बताइए जिसका सम माइनस 9 आ रहा हो. तो टोटली 3 R2 माइनस 6 R2 से R2 की वैल्यू आ गई 3.6. ठीक, तो R1 की वैल्यू कितनी लगेगी हमारी, 6.3. मतलब जब R1 हमारा 3 होगा तो R2 हमारा 6 हो जाएगा, और जब R2 हमारा 6 होगा तो R2 हमारा 3 ओम हो जाएगा. ठीक है, और इसको कंडीशन चेक कर लीजिए, इसको जब सीरीज में कनेक्ट किया तो 9 आ रहा है, पहले कनेक्ट किया 3/6 = 18/9, 2 ओम आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द क्वेश्चन. ठीक, यहां पर सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट कैसे किया था, उन पर क्या क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको डिस्कस कर दिया. अब आपको दो टॉपिक्स बचते हैं. पहला बचता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके एप्लीकेशन हैं कुछ वो बात करेंगे, उसके डेरिवेशन है फॉर्मुले का उसके बारे में बात करेंगे, और फिर बचता है पावर. तो पावर के बारे में क्या होता है वो देखेंगे, पावर कंजप्शन यूनिट वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाती है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं. तो अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, उसमें आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में 99% पूछा ही जाना है. आपके इस चैप्टर से तो ओम्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आता है. ओम्स लॉ अभी देख रहा हूं हर जगह ओम्स लॉ ही लग रहा है, तो यहां पे लगेगा. तो ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है वो देख लिया. वैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पावर को कैलकुलेट करने में काम आता है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.